नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। और आज का टॉपिक है स्काई रॉकेटिंग टेंशन। स्काई रॉकेट मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ में राइज करना, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा तेजी से कोई चीज़ बढ़ना, उसको कहते हैं स्काई रॉकेटिंग। देखिए, स्काई रॉकेट का मतलब टू राइज एक्सट्रीमली क्विकली और मेक एक्सट्रीमली क्विक प्रोग्रेस टुवर्ड्स सक्सेस, मतलब बहुत तेजी से कोई भी चीज बढ़ना, ठीक है ना। तो स्काई रॉकेटिंग टेंशन यानी कि बहुत तेजी से जो है ये तनाव जो बढ़ रहा है किसके बीच, यूएस और चाइना के बीच, तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल कह रहा है। तो यूएस और चाइना जो है मस्ट रिबिल्ड, फिर से जो है उसको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, पुनर्निर्माण करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, आपसी जो विश्वास है उसको क्यों करना चाहिए, तो टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक जो नया नए प्रकार के जो एक शीत युद्ध है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए। द यूएस गवर्नमेंट डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 इज बट अनदर इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये कह रहा है कि यूएस गवर्नमेंट का जो ये निर्णय है, ये क्या निर्णय है, टू बार पैसेंजर्स प्लेन यानी कि पैसेंजर्स प्लेन्स जो कि चाइना से आ रही है, यानी कि चीन का जो जो भी पैसेंजर प्लेन है, जो यात्री विमान है, उसको रोकने के लिए, उसको उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, बार मतलब रोकना या उसका प्रतिबंध लगाना। तो यूएस गवर्नमेंट्स का जो डिसीजन है टू बार, उस पर प्रतिबंध लगाना किस पर, पैसेंजर प्लेन्स पर चाइना के, फ्रॉम जून 16 16 जून से, इज बट अनदर इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब जानते हैं, उदाहरण। और ये बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब देखिए, बट का यूज बहुत जगह पर किया जाता है। बट जो है एक नाउन भी होता है, बट जो है एक प्रीपोजिशन, जनरली जो हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन के रूप में बट, लेकिन जिसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन बट का जो है यूज एडवर्ब के रूप में भी होता है और यहाँ पर एडवर्ब के रूप में है और इसका मतलब होता है ओनली या जस्ट। इज जस्ट अनदर इंस्टांस, ये जो है एक अन्य या केवल कह सकते हैं, इज ओनली अनदर इंस्टांस, ये केवल एक अन्य या कह सकते हैं एक और क्या कहते हैं, इंस्टांस है, उदाहरण है किस चीज का, बढ़ता हुआ टेंशन का, किसके बीच, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच। अ ट्रेड वॉर विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018 इज येट टू बी रिजॉल्व फुली। ये जो ट्रेड वॉर जो है, व्यापारिक जो व्यापार से संबंधित जो वॉर जो शुरू हुआ था, युद्ध कह सकते हैं, विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसको कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था 2018 में, इज येट टू बी रिजॉल्व फुली, वो अभी भी उसको हल किया जाना पूरी तरह से बाकी है। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हाल के महीनों में क्या हुआ है, मिस्टर ट्रंप जो हैं और साथ साथ में जो है अन्य जो अधिकारी हैं उस प्रशासन में, इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना, उसने चाइना पर हमले किए हैं किस चीज़ को लेकर, ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो महामारी है उसको हैंडल करने को लेकर जो है चाइना पर जो है, ठीक है ना, हमले किए हैं। अटैक चाइना मतलब कि चाइना के क्रिटिसाइज किए हैं। अटैक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जाके आप मतलब कि बम गिरा दें आप दूसरे कंट्री में या उस पर जो है सेना ले जाकर वहाँ पर आक्रमण कर दें, ये नहीं होता है। अटैक का मतलब किसी का मतलब कि क्रिटिसाइज करना, उसका जो है इंटरनेशनल फोरम में जो है उसके बारे में उसके अगेंस्ट में कहना। तो हैड अटैक्ड चाइना ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। द यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकॉन्ग स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग्स मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये देखिए, ये जो हांगकॉन्ग है ना, ये हांगकॉन्ग को जो है चाइना जो है, चाइना का वो एक सही कहें तो उसका एक हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना क्या करती है, उस पर अपना कब्जा जमाए हुए है और उसको जो है एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में उसको चलाती है, ठीक है। और यूएस जो है अभी हाल ही में क्या किया है कि उसने डिसाइड किया है कि जो हांगकांग का जो है स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन्होंने दिया था, यानी कि यूएस ने, हालांकि
अमेरिका ने जो दिया था हांगकांग को एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस, उसको खत्म करने का इसने निर्णय किया है। ये क्यों किया है? तो उसके विरोध में, किसके विरोध में? अगेंस्ट बीजिंग्स मूव, बीजिंग्स जो चाइना का जो कदम है, क्या करने का, इंट्रोड्यूस करने का, मतलब लाने का, क्या लाने का है? न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने का है, फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत हांगकांग आता है, ठीक है ना? उसी के तहत जो है चाइना अपना वहाँ पर शासन करती है। तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए, यानी कि हांगकांग में जो है उसके लिए जो है न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना लाई है, या वो जो उनका जो कदम है उसको लाने का, ठीक है ना, उसके खिलाफ जो है, या उसके विरोध में जो है, क्या किया है अमेरिका ने? डिसाइड किया है कि हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस को खत्म करने का डिसाइड किया, निर्णय लिया है। रिपीटेड टारगेटिंग, बार बार, रिपीटेड मतलब बार बार, टारगेटिंग मतलब निशाना लेना, तो बार बार चाइना को निशाना बनाना वाशिंगटन के द्वारा, और बीजिंग्स का रिटेलिएटरी मूव्स, और जो मतलब कि चाइना के द्वारा जो है, बीजिंग को मतलब चाइना पढ़िए, तो चाइना के द्वारा जो है रिटेलिएटरी मूव्स जो किया जा रहा है, मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से बदले लेने की जो कार्रवाई जो है, मतलब कि प्रतिशोधात्मक जो जो उनका कदम है, मतलब प्रतिशोध में लिया गया जो कदम, मतलब उसमें लिया गया जो कदम है उनका, बीजिंग के द्वारा या चाइना के द्वारा। मैक इट लुक लाइक, ऐसा प्रतीत होता है, मैक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, क्या है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वो प्रवेश कर चुका है एक नए कोल्ड वॉर में, एक नए शीत युद्ध में, ऐसा प्रतीत होता है। मैक इट लुक लाइक, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं, ठीक है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से जो संबंधित अधिकारी हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? द डिसीजन ऑन फ्लाइट्स इज इन रिस्पॉन्स, ये जो डिसीजन जो लिया गया है ना, ये जो निर्णय लिया गया है फ्लाइट्स को बार करने का, फ्लाइट्स को प्रतिबंधित करने का, तो ये जो फ्लाइट्स मतलब उड़ान हुआ, ठीक है ना, तो डिसीजन ऑन फ्लाइट्स, ठीक है, तो ये जो डिसीजन जो लिया गया है फ्लाइट्स पर, यानी कि उसको बार करने का, उस पर प्रतिबंध लगाने का, वो इसके किस में लिया गया है? इज इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स टू द कंट्री। ये तब लिया गया जब चाइना ने इनकार कर दिया यूएस एयरलाइंस को अनुमति देने से कि वो जो है उड़ान शुरू करे उस कंट्री में, उस देश में, यानी कि चाइना में। तो उसी के रिस्पॉन्स में, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये डिसीजन लिया गया है फ्लाइट्स पर, ठीक है ना? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल हैं वो कहते हैं कि ये जो डिसीजन है फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने का इज इन रिस्पॉन्स, वो प्रतिक्रिया स्वरूप है, यानी कि जब चाइना ने रिफ्यूज कर दिया अलाउ करने से यूएस एयरलाइंस को कि वहां पर वो फिर से शुरू करे फ्लाइट्स को, रिज्यूम करे फ्लाइट्स को इन टू द कंट्री, तो उसके रिस्पॉन्स में ये लिया गया, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप लिया गया, उसके बदले में लिया गया, ठीक है ना? चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन मार्च, कहता है कि चाइना जो है ये प्रतिबंध लगा दिया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर मार्च में ही, इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के महामारी के वजह से, या इन द वेक ऑफ मतलब उसके वजह से, उसके कारण से, या उसके बाद, ठीक है ना? एंड मोस्ट ऑफ दोज कर्व्स, और उनमें से ज्यादातर प्रतिबंध, उनमें से ज्यादातर प्रतिबंध मतलब कि वे जो जितने दोज कर्व्स, मतलब जितने भी कर्व्स थे, दोज कर्व्स मतलब जितने भी प्रतिबंध थे उनमें से ज्यादातर क्या हुआ? आर स्टिल इन प्लेस, वो अभी भी लागू, मतलब कि लागू हैं, आर स्टिल इन प्लेस। डिस्प्यूट सच एज दिस कुड बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स एंड कॉपरेशन, इस टाइप का जो डिस्प्यूट है, इस टाइप का जो विवाद है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, कि मतलब कि उसको उसका हल किया जा सकता है बातचीत के द्वारा और सहयोग के द्वारा। चाइना हैज ऑलरेडी सेंड सिग्नल्स ऑफ डी एस्केलेशन, चाइना ने पहले ही, हैज ऑलरेडी पहले ही
संकेत दे चुका है चाइना ने किस चीज का, डीएस्केलेशन का। मतलब डीएस्केलेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज को, कोई भी चीज जो है जिसके कारण जो है स्केलेट हुआ है, मान लीजिए कि कोई तनाव बढ़ गया है, तो उस तनाव को कम करने का जो है सिग्नल चाइना ने ऑलरेडी कम कर दी, ऑलरेडी भेज चुका है। तो चाइना हैज ऑलरेडी सेंड सिग्नल्स ऑफ डीएस्केलेशन। आप देखते हैं कभी कभी जो है सीमा पर जो है तनाव जो है स्केलेट कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उसको कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उसको डी स्केलेट किया जा सके, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि चाइना हैज ऑलरेडी सेंड सिग्नल्स, पहले ही उसने सिग्नल्स संकेत भेज चुके हैं किस चीज का, डी स्केलेशन का। मतलब कि वो अब अपना तनाव को कम करने का जो है सिग्नल्स भेज चुकी है, अलाउइंग फॉरेन एयरलाइंस, जिसमें जो है उसने अनुमति दी है फॉरेन एयरलाइंस को कि वो फ्लाइट्स को रिज्यूम करे, चालू करे ऑन ए लिमिटेड स्केल, एक सीमित पैमाने पर, स्टार्टिंग जून 8, यानी कि 8 जून से, ठीक है। वेदर और नॉट मिस्टर ट्रंप हैज एवरीथिंग, मिस्टर ट्रंप को पुनर्विचार करना है या नहीं करना है, वेदर और नॉट करना है या नहीं करना है। तो वेदर और नॉट मिस्टर ट्रंप हैज एवरीथिंग, मिस्टर ट्रंप जो है इस पर पुनर्विचार करते हैं या नहीं करते हैं। द लार्जर प्रॉब्लम, जो बड़ी समस्या है वो क्या है, इज द यूएस का ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। ये वो क्या है, अमेरिका का ओवरऑल मतलब मिला जुला जो अप्रोच है, मतलब पूरा जो मतलब एक समग्र कह सकते हैं जो एक दृष्टिकोण है चाइना के प्रति, विच हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न इन द लास्ट 4 ईयर्स, जो कि ये जो अप्रोच है, विच मतलब अप्रोच हुआ, ठीक है ना, विच हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल टर्न इन द लास्ट 4 ईयर्स, जो कि पिछले 4 वर्षों में, ठीक है ना, जो कि पिछले 4 वर्षों में तेजी से एक आक्रामक मोड़ ले लिया है, एक शत्रुतापूर्ण मोड़ ले लिया है। मतलब कि ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है यूएस का, यानी कि अमेरिका का ओवरऑल अप्रोच जो है चाइना के प्रति, जो कि अभी हैज टेकन एन क्या ले लिया है, इंक्रीजिंगली बढ़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल टर्न, मतलब कि एक शत्रुतापूर्ण मोड़, यानी कि शत्रुतापूर्ण मोड़ आ गया है इसमें इन द लास्ट 4 ईयर्स, 4 वर्षों में। फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पैंडेमिक एंड हॉन्गकॉन्ग द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। ये जो है क्या कह रहा है, व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी, व्यापार और टेक्नोलॉजी से लेकर पैंडेमिक महामारी और हॉन्गकॉन्ग तक, ठीक है ना, द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, ये जो युद्ध रेखाएं हैं वो खींची जा चुकी है। चाइना विच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर, चाइना जिसको कि पेंटागन जो है वो कहती है, पेंटागन वहां का रक्षा मतलब कि वहाँ का जो जैसे डिफेंस का ये है ना, तो पेंटागन में वो पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है डिफेंस का। तो जैसे वाशिंगटन में जो है वो पॉलिटिकल राष्ट्रपति का वहाँ पर भवन है, ठीक है ना, तो उसी तरह पेंटागन में पूरा डिफेंस का ये है। तो चाइना जो कि जिसको कि पेंटागन ने मतलब कहा है एक रिविजनिस्ट पावर, रिविजनिस्ट पावर मतलब होता है क्या होता है, संशोधित शक्ति। आइए देखते हैं कौन है, क्या होता है। देखिए स्काई रॉकेट तो हम लोग देख लिए हैं, बट का मतलब ओनली जस्ट, रिविजनिस्ट का मतलब जो होता है वो व्यक्ति जो कि एग्जामिन और हमेशा कोशिश करते हैं बदलने का, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स है, जो मौजूदा जो बिलीफ्स है उसको बदलने का, अबाउट हाउ इवेंट्स हैपेंड और व्हाट देयर इंपॉर्टेंस और मीनिंग इज, इसको संशोधनवादी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है युद्ध रेखाएं खींची जा चुकी है इन इन मामलों पर, मतलब कि ट्रेड टेक्नोलॉजी और से लेकर पैंडेमिक और हांगकांग तक। चाइना जो है जिसको कि पेंटागन जो है एक रिविजनिस्ट पावर कहती है या कही है दो मतलब कही थी 2018 में, वो जो है चाइना जो है अभी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है वाशिंगटन का। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसको कि सोवियत यूनियन के पास थी ये चीज़ कोल्ड वॉर के समय, ठीक है ना, कोल्ड वॉर के समय जो है यह स्थिति सोवियत यूनियन के पास थी, जो कि आज रशिया है, ठीक है ना। टाइज बिटवीन चाइना एंड यूएस आर स्टिल नॉट एज बैड एज दे वेर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस, ठीक है ना। जो संबंध है, जो टाइज है, टाइज समझते हैं ना संबंध, किसके बीच, चाइना और यूएस के बीच, आर स्टिल नॉट एज बैड, वो जो अब भी, स्टिल नॉट मतलब अब भी, नॉट एज बैड,
उतना ज्यादा खराब नहीं है जितना कि यह था। ये दे वर्ड, दे मतलब कि दे क्या हुआ, दे जो है ये टाइज के लिए आ गया, ठीक है ना। एज नॉट मतलब कि स्टिल नॉट एज बैड एज द टाइज वर, ठीक है ना, एज दे वर बिटवीन, जैसा कि ये टाइज जो था, जितना ये संबंध जो था सोवियत यूनियन और यूएस के बीच जितना खराब था, उतना अब भी जो है इतना खराब नहीं है चाइना और यूएस के बीच। आगे कर देखते हैं। बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंटेंजल्ड, ठीक है ना। यानी कि कहा जाए कि चाइना और जो अमेरिका है वो अब भी आर्थिक रूप से भी और वित्तीय रूप से भी एक दूसरे से उलझे हुए हैं। मतलब कि एक दूसरे के एकदम उलझे हुए हैं का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, ठीक है। द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इंटू टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, अभी जो दुनिया जो है वो बटा हुआ नहीं है दो वैचारिकों मतलब कि गुटों में, ब्लॉक्स मतलब गुट कह सकते हैं आप यहाँ पर, तो दो वैचारिक गुटों में बटा हुआ नहीं है, ठीक है ना, दुनिया। एज इट हैड बीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कोल्ड वॉर, जैसा कि यह था, ये जैसा कि यह रहा था कोल्ड वॉर के दौरान। उस समय क्या था, एक खेमा जो है सोवियत यूनियन की तरफ था और एक खेमा जो था अमेरिका की तरफ था। तो उस समय कोल्ड वॉर के समय द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिलिट्री कॉन्फ्रेंट्रेशन इज वेरी लो, ये जो संभावना है सैन्य आक्रमण का, ठीक है ना, या सैन्य आक्रामकता का, ये मतलब ये आक्रमण का जो मतलब कि पॉसिबिलिटी जो संभावना है वो भी बहुत कम है, इज वेरी लो। बट द एरा ऑफ कॉपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड प्रैग्मेटिज्म दैट हैड डिफाइंड द यूएस चाइना पार्टनरशिप सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन रिसेट इन द 70s, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बट द एरा, जो युग था, जो समय था, मतलब कि जो युग था, युग है मतलब कि कॉपरेशन का, यानी कि सहयोग का, पीसफुल ट्रेड का, शांतिपूर्ण व्यापार का और प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकता का, दैट हैड डिफाइंड द यूएस चाइना रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, जिसने कि परिभाषित किया था यूएस चाइना का साझेदारी का, कब से, सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स रिसेट, जब से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स जो बदलाव किए थे, ठीक है ना, इन द 1970s, 1970 के दशक में, वो जो है ये जो एरा ऑफ कॉपरेशन जो है वो क्या हुआ है, वो ऐसा लगता है कि इसने जो है एक रास्ता तैयार कर दिया है इसके लिए, एग्रेसिव लीडरशिप के लिए, मतलब कि इसने रास्ता तैयार किया, इसने एक जगह बना दी है इसके लिए एक एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट के लिए, मतलब आक्रामक नेतृत्व प्रतियोगिता के लिए, ठीक है ना, कॉन्टेस्ट के लिए। यानी कि अमेरिका कहता है कि मेरे लीडरशिप में पूरा देश चले, और चाइना कहता है कि जब वो अभी इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है जो कि वो कहता है कि नहीं मेरे इसमें हो, तो ये जो है ये सीम्स टू हैव मेट, ये जो एरा ऑफ कॉपरेशन पीसफुल एंड प्रैग्मेटिज्म जो है, जो कि कभी मतलब कि प्रेसिडेंट निक्सन के मतलब 1970 के दशक में एक बदलाव करने के बाद, जो बाद से ही जो एक यूएस चाइना पार्टनरशिप को डिफाइन करते रही है, रही थी, वो जो है अब उसने रास्ता तैयार कर दिया है एक एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है ना, एक आक्रामक मतलब कि नेतृत्व प्रतियोगिता के लिए, और एंड डीपनिंग म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट के लिए, और एक गहराता हुआ आपसी अविश्वास के लिए, ठीक है ना, इसने रास्ता तैयार कर दिया है। एंड विथ मिस्टर ट्रम्प डेस्परेटली लुक फॉर मतलब तलाश करना एन एनिमी, चूंकि एंड और कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो हताशा पूर्वक मतलब कि क्या करें और क्या ना करें उसके लिए जो है मिस्टर ट्रम्प जो है वो तलाश कर रहे हैं एक दुश्मन का, एक एनिमी का, ताकि उस पर सारा ठीकरा फोड़ सके, उस पर ब्लेम लगाया जा सके फॉर द मिसफॉर्च्यून्स, जो दुर्भाग्य जो आया है दैट फेल ऑन अमेरिका, जो कि अमेरिका में आया है एक इलेक्शन ईयर में, ठीक है ना, चुनावी वर्ष में, दैट हैज बीन बैटर्ड, ये जो अमेरिका है जो है बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब क्या होता है, हीट, जो प्रभावित हुआ है या जो एकदम बैटर्ड मतलब एक तरह से उसको हीट करना, उसको मार मार के एकदम ये कर देना, ठीक है ना, तो दैट हैज बीन बैटर्ड बाय द पैंडेमिक, जो कि पैंडेमिक के द्वारा जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है, एंड द डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न, और किसके द्वारा, जो गहरा एक इकोनॉमिक डाउन टर्न है, जो आर्थिक एक तरीके से गिरावट है उसके कारण, सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब ये कब से, ये जो सबसे ज्यादा मतलब कि देखिए डीपेस्ट है, डीपेस्ट कह रहा है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में है,
वो तब एक जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब महामंदी आया था, ठीक है ना, तो उसके बाद से ये जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउन टर्न है। और किस और क्या था, और जो है पैंडेमिक जो आया है उसके कारण जो है ये अमेरिका बुरी तरह से बैटर्ड हो गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है जिसके उसके कारण जो है जो मिसफॉर्च्यून आया है, जो दुर्भाग्य है अमेरिका पर, उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो डेस्परेटली वो लुकआउट है, लुकआउट पर है, या मतलब कि वो तलाश रहे हैं एक एनिमी को जिस पर पूरा ब्लेम लगाया जा सके। तो वही चीज कहा जा रहा है कि एंड विथ मिस्टर ट्रम्प डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी, वो जो है डेस्परेटली तलाश कर रहे हैं, या मतलब तलाश कर रहे हैं एनिमी को कि वो ब्लेम किया कर सके फॉर द मिसफॉर्च्यून्स, उन दुर्भाग्यों के लिए जो कि अमेरिका पर आया है एक इलेक्शन ईयर में, दैट हैज बीन बैटर्ड, यानी कि अमेरिका के लिए दैट यूज किया जा रहा है, दैट हैज बीन बैटर्ड बाय द पेंडेमिक, जो कि पेंडेमिक से बुरी तरह से मार खाया है, और डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न से सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के बाद यानी कि महामंदी के बाद। तो टेंशन विथ चाइना आर एक्सपेक्टेड टू स्काई रॉकेट। तो ये जो तनाव है चाइना के साथ, ठीक है ना, वो उम्मीद की जाती है कि यह बढ़ेगा, मतलब तेजी से बढ़ेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। वाशिंगटन वॉन्टेड एन एनिमी एंड इट फाउंड इट इन चाइना। वाशिंगटन जो है यानी कि अमेरिका जो है वो एक दुश्मन चाहता था और इसने पाया है चाइना में, ठीक है ना। अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स, यदि अनलेस का मतलब इफ नॉट, यदि दोनों देशों के नेता, दोनों देशों के नेता अपने रास्ते को नहीं बदलते हैं एंड रिवील द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और जो खोए हुए जो आपसी विश्वास है उसको फिर से पुनर्निर्माण नहीं करते हैं, तो अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो एक प्रकार का जो शीत युद्ध है वो पूरी दुनिया में थोप दिया जाएगा, वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड। तो दोस्तों आज का यह प्रोग्राम, यह एडिटोरियल का कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।